गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 मैजिकल हेयर स्टाइल फॉर समर सीजन। एंड गाइस, इस हेयर स्टाइल को आप किसी भी तरीके के आउटफिट के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक जींस टॉप पहनी हो, या फिर सूट पहना हो, या फिर कुर्ती पहनी हो, या फिर लाइक आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, वो सारी गर्ल्स इस तरीके का जो हेयर स्टाइल है कर सकती है। गाइस, विद इन 10 सेकेंड में ये हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने मेरे हेयर की लेंथ तो देख ही ली होगी स्टार्टिंग में कि मेरे हेयर की लेंथ अच्छी खासी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टाइल में मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर मैंने पार्टीशन किया हुआ है। आप जैसा भी करना चाहें, लाइक साइड पार्टीशन कर सकती है, जैसा आप करते हैं हमेशा आपके फेस पर जो अच्छा लगता है तो आप उस तरीके का फ्रंट से कर लें। एंड बैक साइड मैंने क्या किया है, पूरे बालों का बन जिस तरीके से किया जाता है तो वैसे बालों को ट्विस्ट करते जा रही हूँ एंड इसका बन क्रिएट करूँगी। तो बन किस तरीके से, मैं 2 लेयर में बस इसको रोटेट कर रही हूँ, 2 या 3 लेयर में। आपके बालों की लेंथ जिस अकॉर्डिंग है आप उस तरीके से इसको रोटेट करें। लाइक अगर 2 बार में ये 2 लेयर में आ रहा है तो ठीक है, 3 लेयर में आ रहा है तो ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मैं जितने बाल बाद में छोड़ूंगी आपको उतने बाल छोड़ने हैं, बाकी जितने भी बाल हैं उनका राउंड बन बना लेना है आपको। तो मुझे इतने बाल छोड़ने थे इसलिए मेरा 3 बार में राउंड हो चुका था। एंड इसके बाद मैं ये वाला क्लेचर यूज़ कर रही हूँ। ये वाले क्लेचर की एक बेनिफिट ये रहती है गाइस कि आपके कितने भी हैवी हेयर हों इसमें आ जाते हैं। अगर आप इसकी जगह कोई और क्लेचर यूज़ करेंगे तो इतने लंबे बाल उसमें नहीं समेट पाते हैं। इसके बाद जो बाल मैंने छोड़े थे उसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। एंड जो बन बनाया था उसको थोड़ा सा पुल कर रही हूँ ताकि ये मेसी लुक थोड़ा सा क्रिएट कर सकूँ। तो इस तरीके से आपको बालों को का पुल कर देना है, थोड़ा सा आपको हेड के पास बालों को मैसी कर देना है। एंड ये रेडी हो चुका है हेयर स्टाइल। आगे से मैंने 2 लेयर निकाली हुई हैं, 2 लट निकाली हुई हैं। आपको जैसा भी पसंद हो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एंड ये गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक लगता है। एंड देखा ना गाइस, इस लुक को क्रिएट करने के लिए मतलब आपको लाइक कोई भी कॉम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सीसा की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट मिरर, विदाउट कॉम इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप जब बाहर जा रहे हो, आपके पास कोई ऐसी एक्सेसरीज नहीं है कि आप किस तरीके से बस अपने हेयर स्टाइल को बांध सकें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लगती है। सो सेकंड स्टाइल की बात करें तो मैंने फ्रंट में स्ट्रेट लेयर ना निकाल कर मैंने थोड़ा सा जिग जैक वाली लेयर निकाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप साइड पार्टीशन भी कर सकते हैं, बट मुझे जिगजैग करना था, मेरा मन कर रहा था तो मैंने किया। एंड या बहुत ही इजी है इसे क्रिएट करना। आप इसके लिए टेलकम कॉम जो आती है वो वाली यूज़ कर लें, ज़्यादा अच्छी है, उससे बहुत अच्छे से लेयर निकल आएगी। मैंने इसी से कर लिया, मुझसे हो गया। एंड मैं बैक में सेम फर्स्ट वाली की तरीके ही इसको राउंड करूँगी। आगे से मैंने लेयर निकाली है, मुझे इस तरीके की लंबी लेयर पसंद है। आप लट अपने अकॉर्डिंग निकाल सकती हैं। जब आप इस तरीके का लुक क्रिएट करते हैं तो आगे के जो हेयर हैं वो निकाल लेंगे तो आपके फेस का लुक अच्छा लगने लगेगा। तो अगेन मैं बालों को फिर से ट्विस्ट करती जाऊंगी और इसका बन बनाती जाऊंगी। तो उसी तरीके से सेम 3 लेयर में ही मेरे पूरे बाल समेटते हैं। तो मैं इस तरीके से 3 राउंड का बन बनाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। एंड इसका बन बनाते वक्त मैं थोड़ा सा बालों को टाइट रखूंगी। मुझे इसमें टाइट बन चाहिए, लूज बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि बाल ऊपर से रहेंगे तो बन आपका हाइड होना चाहिए इस हेयर स्टाइल में। तो मैं हल्का सा इसको टाइट करती जा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने सेम वही क्लेचर फिर से लिया है एंड इस क्लेचर को मैं अप्लाई कर दूंगी। तो मैं इसे बिल्कुल सेंटर पर अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सेंटर पर क्लेचर को लगाया है। अब जो ये हेयर ऊपर बचे हुए हैं इसे मैं पूरे बन के ऊपर फैला दूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको फैला रही हूँ एंड एडजस्ट करते जा रहे हैं पूरे हेयर को। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है जब आप इस तरीके का लुक किसी कुर्ती पर करते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बताऊँ ना तो मैं हमेशा इसी टाइप के कुछ हेयर स्टाइल करती हूँ। मुझे ये बहुत कम्फर्टेबल लगते हैं एंड बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, इसके लिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरे पास क्लेचर नहीं भी अवेलेबल होता है तो मैं बैंड का हेल्प ले लेती हूँ एंड इस तरीके का लुक कर लेती हूँ। जैसा कि मेरे लॉन्ग हेयर हैं तो मैं लॉन्ग हेयर पर ऐसा कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये शॉर्ट हेयर पर नहीं होगी। हर किसी टाइप के हेयर पर इस तरीके की हेयर स्टाइल आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे क्रिएट करना।
ओके, थर्ड हेयर स्टाइल में मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट से मैंने वैसे ही रखा है एंड मैं सारे बालों को जैसे पोनी टेल करते हैं उस तरीके से बालों को मैं ऊपर उठा रही हूँ, ना ही ज़्यादा हाई पर लेके जा रही हूँ, ना ही बिल्कुल लो पर, मिड पर रख रही हूँ एंड सारे बालों को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। तो जैसा कि विदाउट कॉम कर रहे हैं तो ये मैसी सा लुक देगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने हाथों से ही कर रही हूँ एंड इसको मिड पर एडजस्ट करूँगी। मिड पर एडजस्ट करने के बाद मैं इसका एक बन क्रिएट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं जो थर्ड है वो किस तरीके से मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो इसको मैं बालों को ट्विस्ट करती जाऊँगी एंड इसका एक लेयर दो लेयर पर इसे रोटेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं एक लेयर पर मैंने इसको रोटेट किया है एंड बस सेकेंड लेयर पर मैं ले जाकर इसको स्टॉप कर रही हूँ। तो इस लुक में मैं क्लेचर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बैंड का यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरीके का कोई मोटा बैंड ले सकते हैं एंड इससे बिल्कुल टाइट आपको सिक्योर करना है। तो इसको मैं दो बार में बिल्कुल टाइट कर दे रही हूँ एंड ये दो बार में बहुत अच्छे से टाइट हो गया। एंड गाइस, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, इस जगह आपको बहुत ही क्लियर देखना है, तभी मैंने इसको स्लो में कर दिया है ताकि आप देखें अच्छे से और समझ पाएँ। तो मैंने क्या किया है, जो बाकी के हेयर थे उनको दो पार्टीशन किया है एंड इनको यू नो डायरेक्शन इनकी चेंज कर दी है, इधर वाले की डायरेक्शन अपोजिट साइड डाल दी है, दोनों की जो डायरेक्शन है उनको चेंज करके नीचे डाल दिया है एंड बस बालों को पूरे में फैला दिया है और ये रहा मेरा हेयर स्टाइल। तो गाइस, देखा आपने कि ये हेयर स्टाइल भी कितना इजी है एंड इस टाइप के जो हेयर स्टाइल हैं गाइस, मुझे ऐसे लगते हैं कि जब मैं चलती हूँ ना तो ये बिल्कुल जिस तरीके का आप मूवमेंट करते हैं उसी तरीके की बाल बिल्कुल फ्रीजी फ्रीजी से यू नो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे आपकी मूवमेंट हो समझते हो उसी तरफ ये रोटेट हो जाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइप के हेयर स्टाइल से यू नो आपके बाल भी बहुत अच्छे लगेंगे एंड अगर आपके बालों में किसी प्रकार की कटिंग है तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन तीनों हेयर स्टाइल में से सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक अ लिटिल मोमेंट, हिट ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कमेंट बिलो। सो सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।